हेलो बच्चों, नीट 2023 का ये क्वेश्चन कहता है कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये कुछ रिएक्शन दे रखी है, हमें तीन रिएक्शन दे रखी है। हमें क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है। अपने को शुरू कहाँ से करना है, N2Cl से, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से शुरू करना है। सबसे पहले क्या है, Cu2Br2 डालना है इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। जैसे ही हम Cu2 बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में N2Cl में क्या डाल रहे हैं, Cu2Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। बेटा ये रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन आपकी सैंडमेयर्स रिएक्शन है। सो दिस रिएक्शन, होल रिएक्शन इज कॉल्ड सैंडमेयर्स रिएक्शन। क्या होता है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में कुछ नहीं होगा, इस रिएक्शन में कुछ नहीं होगा, ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। इस रिएक्शन में कुछ नहीं होगा, ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। प्लस में क्या निकलेगा, प्लस में क्या निकलेगा, लीविंग ग्रुप दैट इज N2, N2 निकल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर क्या बनता है इसमें बेटा, क्या बनता है, MgBr बन जाएगा, MgBr बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, H2O डाला है, नेक्स्ट क्या है, H2O डाला है। बेटा इसको करने के ना दो तरीके हैं, MgBr का कॉन्सेप्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो कॉन्सेप्चुअल है कि एक तो आपने दिमाग से रट रखा है, ठीक है। तो एक तरीका कॉन्सेप्चुअल कि आपको कॉन्सेप्ट पता है। एक क्या है, आपने रट रखा है, डायरेक्ट आप फिनॉल बना देते हो, है ना, सॉरी डायरेक्ट आप बेंजीन बना देते हो, है ना। एक तो डायरेक्ट बेंजीन बना देते हो। दूसरा कॉन्सेप्चुअल तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, यहां पर मेटल दिख रहा है, मेटल दिख रहा है, तो मेटल क्या करेगा, अपने से दूर इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। मेटल का नेचर क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने का। तो मेटल क्या करता है, अपने से दूर इलेक्ट्रॉन पुश करता है। तो इस अगर इसको तोड़ के देखा जाए, अगर इस क्वेश्चन को तोड़ के देखा जाए, तो मेटल के ऊपर, ये बेंजीन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और मेटल एज MgBr पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है। MgBr पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जो ये एलिमेंट है, ठीक है, जो MgBr से कनेक्टेड है, उसमें एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होता है, अब इसमें पानी डालो, पानी किससे बना है, HOH से, ठीक है। पानी किस पे टूटेगा, अभी नेगेटिव चार्ज इस H प्लस को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि क्या है, ये बॉन्ड पोलर है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है हाइड्रोजन की तरफ से, तो इसको तोड़ेगा। तो ये क्या बन गया, यहां बन गई आपकी बेंजीन, और यहां पर क्या बना, प्लस MgOHBr। आई बात समझ में, क्या बन गया, MgOHBr। तो एक तरीका तो हुआ अपना कंसेप्चुअल कि आपको कॉन्सेप्ट पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट पता है, और एक तरीका हुआ कि आपने रटा हुआ है। इस बार कॉन्सेप्चुअल तरीके पे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो ध्यान रखो, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हुए मैकेनिज्म्स पे ज्यादा फोकस करो। अगर मैकेनिज्म्स आते हैं तो ऐसे फालतू क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा। तो क्या आंसर बना, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूसरा वाला ऑप्शन तो बीच का प्रोडक्ट है, ये वाला तो दूसरा वाला ऑप्शन गलत है, तीसरा वाला ऑप्शन वाहियात है, बन ही नहीं सकता, चौथा वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या अपना, फर्स्ट वाला ऑप्शन दैट इज बेंजीन।